तो वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अरे डेमियन कहाँ जा रहे हो, मेरा इंट्रो तो होने तो वो तो वॉशरूम गया। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो क्रिकेट के फैन होंगे या फिर PSL वगैरह देखते होंगे। मैं जो है ना आज जा रहा हूँ PSL 8/PSL 2023 लाहौर कलंदर वर्सेज पेशावर सलमी लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में देखने। एक्सक्यूज मी, तो अभी हम लोग जो है ना लेट हो रहे हैं, अभी मैं जो है ना निकलता हूँ, मैं जो है ना आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। तो हम लोग जो है ना रास्ते में, हम लोग अब लाहौर जा रहे हैं स्टेडियम में, और हम लोग जो है ना बता दो डेमियन, बता दो, हम जो है ना सस्ती सीट वो 2000 सीट नहीं होती, हम उसमें नहीं बैठ रहे, वेरी डिस्कस्टिंग, हम बैठ रहे हैं VIP सीट, वो जो है ना पिच के बिल्कुल सामने है, और उसी डायरेक्शन में जो है ना छक्के गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या पता बाबर आजम छक्का मारे और मैं जो है ना कैच कर लूँ, फिर अरे ना बकवास कर, तो फिर मैं वो कैच कर लूँ और फिर जो है ना मैं जो है ना कैमरा मेरे ऊपर फोकस करे, फिर क्या पता पूरा पाकिस्तान मुझे देख रहा हो और फिर मेरी आवाज पहुंच जाए सब्सक्राइब टू हार महमूद, फिर पूरा पाकिस्तान मुझे सब्सक्राइब कर दे और मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। मतलब ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है ना। अच्छा आप लोग जो है ना मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि आप लोग PSL में कौन सी टीम को सपोर्ट करें। मैं तो जो है पेशावर को सपोर्ट कर रहा हूँ। डेमियन तो उस टीम की तरफ होता है जो जीत जाती है, जो जीत जाता है ना ये कहता है ये मैं उस तरफ। यहाँ पे हम लोग जो है ना स्टॉप यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे जाना जो है ना चिज्जी वगैरह खरीद लेते हैं, चिज्जियाँ वगैरह कुछ खाने के लिए रिफ्रेशमेंट। हाँ कुछ चिज्जियाँ वगैरह ले लेते हैं। डेमियन वो यहाँ पे आते हैं, खिलौने हैं यहाँ पे, फुल गंदे मट्टी से भरे हुए चिप्स हमने लिए दोस्त। यहाँ पे जो है ना हम लोग कन्फर्म करें हमारी टिकट जो है वो कन्फर्म है या नहीं। जी हाँ जी यही है, अभी हमने टिकट्स कंफर्म कर लिया, आंटी ने हमें कंफर्म कर दिया कि हार महमूद सुपर हाथ के नाम से जो है ना टिकट्स कंफर्म हो चुकी है, तो अभी हम चलते हैं और मैच हम देखेंगे। तो डेमियन ने जो है ना सुबह 9 बजे का खाना खाया हुआ है जो है ना मुझे तबका कह रहा है कि हम कब पहुंचेंगे, उसे पूछ रहा है कि वहाँ पे खाना मिलेगा भी या नहीं। मैंने कहा कि वो जो है ना भूफे लगा होता है, पर वो लाहौर का जो है ना वो कराची का नेशनल स्टेडियम था असल में। तो मैंने जो लाहौर गद्दाफी स्टेडियम का देखा था ना टूर, उसमें जो है ना खाने का जिक्र नहीं था, तबका जो है ना इसको सदमा लगा, ये बेहोश हो गया, ये कितनी खाओगे 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। लाहौर कौन छोटा जैसे यहाँ पे अपनी अभी जो है ना हम अपनी एंट्री करा रहे हैं यहाँ पे। फ्लैग देखना कितना जाली लग रहा है, कलरलेस, वो स्टेडियम है, स्टेडियम की लाइट इतनी लंबी लाइन है, ओ माय 10-15 साल तो लग ही जाएंगे। यहाँ पे हम स्टेडियम के पास तकरीबन पहुंच चुके हैं, एंटर होने लगे हैं। जैसा मैंने बताया था हमने VIP सीट्स ली हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रश बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ये VIP सीट्स हैं। अभी हम एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि हम एंटर हो चुके हैं। ओह माय गॉड, आवाम को देखो बहुत खुश हो रही है। यहाँ पे हम फाइनली जो है ना पहुंच चुके हैं स्टेडियम में, मुझे नहीं पता मेरी आवाज आ भी रही है या नहीं। तो वो LCD लगी होती है मैच में, यहाँ से नजर आ रहा होता है और वहाँ पे कैमरा होता है, वहाँ से नजर आता है सारा। यहाँ पे हमने जगह चेंज किया और व्यू जो है ना बेहतर आ रहा है, पहले जो है ना वो ग्रिल सामने आ रही है, बेहतर व्यू आ रहा है। वो देखो वहाँ पे टीम आ चुकी है ग्राउंड में, पेशावर मेरे ख्याल से पहले फील्डिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने ये मैच देख लिया होगा क्योंकि मेरे ब्लॉग अपलोड होने से पहले जो है ना ये मैच खत्म हो गया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा, पर मुझे नहीं पता कौन है कौन जीतेगा, आप लोगों को पता है कौन जीतेगा। वहाँ पे वो देखो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो देखो वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वो देखो वो वहाँ पे स्कोर और आउट ओवर वगैरह नजर आते हैं, वो पहली बॉल हो रही है। आप लोग लाइव आते हो ना यहाँ पे कमेंटेटर्स की नहीं आवाज आती, हो गया आउट हो गया। और अपना मैच वगैरह जो है ना वो तो चलता रहेगा, अभी यहाँ से कुछ खरीदने आए हैं फूड कोर्ट से, यहाँ से पिज्जा वगैरह मिल रहा है, क्या नहीं मिल रही है, पॉपकॉर्न लिया है। अरे यहाँ पे जो है ना पिज्जा वगैरह लिया है, मैच तो अपना चलता रहेगा। मार दिया उसने, थका मार दिया, थका कर दिया हमें, यहाँ पे लगता है प्लेयर इंजर हुआ है। और ये लोग 190 कर गए और अभी 4 ओवर पड़े, भाई 200 से ऊपर तो कर गए हैं ये लोग। यहाँ पे हवाई जहाज बनाए, 242 का टारगेट दिया है उन्होंने, टारगेट दे के ब्रेक आती है ना तो ये सारा कुछ ग्राउंड में हो रहा था, यहाँ पे पता नहीं पिच वगैरह ठीक कर रहे होते हैं। यहाँ पे पहली बॉल इनिंग थी, टूट गया, अरे उसने वाकई में आउट कर दिया। यहाँ पे जो है ना ऐड हो रही है,
और जो बैंड होती है ना यहाँ पे ग्राउंड में गाने वगैरह लगते हैं। अभी जो आप अगर जो लोग भी आप लाइव देख रहे होंगे वो ऐड देख रहे होंगे और अब हम लाइव देख रहे हैं। ओए छक्का छक्का छक्का, ये डांस कर रहा है वो प्रॉप पहन के। अभी यहाँ पे चाहिए 116-56 बॉल्स पे यार हार जाएंगे। नहीं नहीं हो सकता है, अभी उम्मीद रखो। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया, जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया तो ये हो रहा है। 75 रन चाहिए 27 बॉल्स पे। मुश्किल तो है पर एनीथिंग इज पॉसिबल। नो भाई, बचे प्लेयर भी आउट हो गए। यहाँ पे जो आखिरी अच्छा प्लेयर बचा था ना बॉवल, वो भी आउट हो गया। अब तो इम्पॉसिबल है हम वापस आ गए। अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ना यहाँ से जाना पड़ा है। अब बहुत रात भी हो चुकी है, आपको ये उम्मीद नहीं थी जीतने की। मैंने अभी अभी जो है ना चेक किया है, शाहर को जो है ना एक बॉल पे चाहिए 41 रन चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही इंटेंस मैच है। अब मैं बताता हूँ, आप 35 वाइड होएंगी, फिर जो एक बॉल बचेगी उस पर वो छक्का मारेगा, 41 ऐसे कंप्लीट होएगा। खैर यार यहाँ पे बिशार जो है ना हार चुकी है, बहुत ही अफसोस हुआ मुझे। 2-3 ओवर पड़े थे, अभी हम पहले आ गए क्योंकि वरना जो है ना काफी रश हो जाना था। अब तो पता चल ही गया था पिशावर हार गई है, तो हमने कहा काफी रश हो जाएगा बॉयर तो हम पहले आ जाते हैं। अभी काफी रात भी हो चुकी है, 11 भी बज चुके हैं। अभी अगले दिन जो है ना मैंने स्कूल भी जाना है। मैं जो है ना अपने दोस्तों साथ जो ना आप देखना शोकिया मारूंगा। ये देखो स्टैम्प, ये जो है ना इन्होंने स्टैम्प किया था एज अ प्रूफ के हम लोग जो है ना अंदर वेरीफाइड अंदर जाने। तो वहाँ पे जो है ना खाना जो है ना बहुत ही बेकार था, मतलब पिज्जा जो है ना बहुत ही बद जायकेदार कोई वर्ड होते हैं। खैर जो भी होता है मेरा मतलब उसका टेस्ट नहीं अच्छा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं KFC जाते हुए। तो आर यू रेडी डेमन? और हमारे बैठने के स्टाइल को यार ये ट्रिक है असल में, इस तरह दोनों दो लोग कंफर्टेबल होंगे। तू मेरे पीछे ये रखो, ये है ओए अपना गंदा पैर दूर करो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ये सुनना गला। यहाँ पे जो है ना काफी रात हो गई है, अब जो है ना बस नींद आ रही है, बस निकल रहे हैं यहाँ से खा के घर। मैं जो है ना यहाँ पे ब्लॉग को करता हूँ एंड जो है ना मैं जो है ना काफी थका हूँ। 12:30 हो गए और अभी एक घंटे का सफर बाकी है, मतलब हम रात के 1:30-2 बजे पहुंच गए हैं। मैं तो काफी नींद आ रही है। तो ब्लॉग में अपना कर रहा हूँ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोग दबा देना। फिर कभी मिलता हूँ मैं, गुड बाय।